नागपुर के शांतिनगर पुलिस स्टेशन के तहत एक बिजली विभाग के सहायक अभियंता को गालियां देने और जान से मारने की धमकी देने के चलते कश्यप कॉलोनी निवासी भूसानी परिवार के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। शांतिनगर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मामला बिजली बिल वसूली का है, जहां शांतिनगर के कश्यप कॉलोनी निवासी भूसानी परिवार के घर शांतिनगर बिजली परिक्षेत्र के सहायक अभियंता सचिन महल्ले बिजली बिल वसूली को गए, तभी भूसानी परिवार ने उनके साथ बदतमीजी की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद सहायक अभियंता ने शांतिनगर पुलिस स्टेशन में भूसानी परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। ज्ञात हो कि इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जब बिजली विभाग के अधिकारी को बिजली बिल वसूली के नाम पर उपभोक्ताओं ने जानलेवा हमला किया है। ऐसे में बिजली विभाग के कर्मियों के सुरक्षा का सवाल निर्माण हो गया है। बरोबर आहे, त्या संदर्भात पोलीस स्टेशन शांतिनगर येथे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। काल सचिन महल्ले सहायक अभियंता आहेत बिनाकी परिक्षेत्रातले, तर ते एका वीज वसुली थकबाकी वसुली करण्याकरता कश्यप कॉलनी येथील जिशान मुसानी यांच्या घरी गेले असता जिशान मुसानी यांनी त्या अभियंता आणि त्यांची जी सरकारी टीम होती त्यांना शिवीगाळ केली आणि जीव मारण्याची धमकी दिलेली आहे। त्या संदर्भात शांतिनगर पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल झालेला आहे, आरोपीला देखील अटक करण्यात आलेली आहे।